नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत की जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की। लालकृष्ण आडवाणी जी भारत देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और कई पदों पर रहकर कार्यरत किया है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर बनवाने में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। भारत देश में रथ यात्रा निकालकर पूरे देशवासियों को जागरूक करने में भी राम मंदिर को लेकर लालकृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे लेकर अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी व उत्साह का माहौल भी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना यानी पार्टी के हर कार्यकर्ताओं का सम्मान हो गया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जब लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है, इसे लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी और बहुत उत्साह रहा है। सभी ने मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को बधाई भी दी है। आइए हम चर्चा करते हैं और सीधे जानते हैं उन भाजपा कार्यकर्ताओं से जिन्होंने पार्टी में लेकर कई पदों पर कार्य भी किया है और यहाँ पर जनसंघ के जमाने से पार्टी से जुड़े भी रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद हैं रायसेन जिले के वरिष्ठ पत्रकार और जनसंघ के जमाने से भाजपा के कर्मठ नेता रहे हैं श्री राघवेंद्र जैन मस्ताना जी। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि अभी हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या कहते हैं इस पर। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। मैं अभी जानना चाहता हूं कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अटल जी और आडवाणी जी दो जनसंघ के मान स्तंभ थे। जनसंघ के समय से अटल जी और आडवाणी जी ने पूरे देश में जनसंघ को प्रचारित प्रसारित किया और वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया वो अत्यंत प्रशंसनीय है और मोदी जी वास्तव में जौहरी हैं, जिन्होंने एक हीरे की परख करके और उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया, वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और मैं माननीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और माननीय आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सेवानिवृत्त शिक्षक और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, पहले रहे हैं जनसंघ के जमाने से आप पार्टी से जुड़ रहे हैं, श्री सुरेश सेन जी। हम उनसे जानते हैं कि आडवाणी जी को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जा रहा है, इस पर उनकी क्या प्रक्रिया है और क्या राय है, वो क्या समझते हैं? सेन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आडवाणी जी के लिए भारत रत्न दिया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये भारत रत्न अभी मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने थोड़ी देरी कर दी आडवाणी जी को सम्मान देने में। जब भाजपा की केवल दो लोकसभा सीटें हुआ करती थी, उस समय आडवाणी जी ने अयोध्या से लेकर सोमनाथ मंदिर तक रथ यात्रा निकाली, जिसमें जन चेतना जागृत हुई हिंदू समाज के अंदर में, उसका प्रतिफल आज भाजपा को मिल रहा है। मिलना भी चाहिए, भारत रत्न भले ही देर से मिला लेकिन मिला, इसके लिए हम संतुष्ट हैं। आपको खुशी है भारत रत्न? बिल्कुल बिल्कुल खुशी है, मोदी जी ने दिया है, उनका सम्मान किया है, आज वो मौजूद है। अटल जी उनके जो साथी हुआ करते थे वो आज दुनिया में नहीं है, वो भी यदि होते उस समय जब दिया जाता ये उनको पुरस्कार तो वो भी खुश होते और आज वो स्वर्ग में हैं तो वो भी, उनकी आत्मा भी खुश हो रही होगी कि हमारे एक साथी अटल जी आडवाणी जी को आज मोदी जी ने भारत रत्न का सम्मान दिया। कभी आपकी मुलाकात हुई आडवाणी जी से? आडवाणी जी से नहीं हुई है, कभी नहीं हुई, लेकिन मैं उनकी भावनाओं से प्रेरित रहा हूँ। आज भी राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी है मैं उससे प्रेरित हूँ और रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ चर्चा करने के लिए जनसंघ के जमाने से बीजेपी से जुड़े हुए और इस समय सेवानिवृत्त शिक्षक श्री सुरेश सेन जी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी में कई पदों पर रहकर पार्टी में सेवा देने वाले श्री सलीम काजी जी।
आइए सलीम काजी से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया है, इस पर उनकी क्या राय है और क्या विचार है। काजी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी भारत हाल ही में भारत रत्न मिला आडवाणी जी को, आप क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो स्वयं सेवक संघ भी से भी जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी को जो भारत में मात्र 2 सीटें जीतती थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर कई यात्राएं निकाली और यात्राएं निकाल कर भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाया, उस पर जो आज उनको भारत रत्न दिया गया है जो बहुत पहले दे देना चाहिए था, जो अब बाद में दिया गया उसमें भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे नेता आडवाणी जी को भारतीय रत्न देकर सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ वैभव जैन मस्ताना, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज 24। आवाज़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न मिलने के बाद यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या प्रक्रिया है, आडवाणी जी को लेकर क्या सोचते हैं और केंद्र सरकार के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के रायसेन जिले के पूर्व महामंत्री, कोषाध्यक्ष और आपको कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने का भी मौका मिला है। आइए ऐसे एक शख्स से मिलते हैं और चर्चा करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्री संतोष जैन वकील साहब, हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने के बाद वो क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं। आइए जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। बड़ी खुशी का विषय है कि ऐसे आदमी को जिसने देश के लिए, जिसने पार्टी के लिए, उसने समाज के लिए इतना त्याग और बलिदान किया, उसे आज भारत रत्न सरकार दे रही है। ये भारत रत्न जैसी उपाधि उनको बहुत पहले मिलना थी, क्योंकि उन्होंने जो राम मंदिर आंदोलन में रथ यात्रा निकाली, जो पार्टी को संबल दिया और पार्टी जो दोस्त सांसद की पार्टी को उन्होंने आज इस स्थिति तक पहुँचाया, उसका श्रेय सहाय उनको है। लेकिन उनको जो आज भी दिया भारत रत्न दे रहा है, दुरुस्त है जो दिया है, उसके लिए हम उन बहुत बहुत बधाई देते हैं, सरकार को भी देते हैं और आडवाणी जी को भी इस बात की बधाई देते हैं। आपकी आडवाणी से भी मुलाकात हुई, आपको मौका मिला आडवाणी से मिलने का। आडवाणी जी से मिलने का मौका हमें जब रथ यात्रा में यहाँ थे, तो रथ यात्रा जब निकली थी तो उस रथ यात्रा में हम उनके साथ थे, गैरतगंज से लेकर रायसेन तक उनके साथ गए थे। उसी टाइम उनसे मुलाकात करने का और उनसे दर्शन करने का, बातचीत करने का मौका मिला था। वही एक ही मौका वही था जिसमें हम उनसे